मोदी को 24 में हराने वाला कोई नहीं है। 2014 के काम के नज़र देखते हुए, उनके काम को देखते हुए 2019 में जनता उनको फिर से गद्दी पर बैठाया। और ये पलटू चाचा को तो आने वाले समय में एक भी सीट नहीं निकलेगा। विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिलेगा। ये जो है अपने परिवार के लिए लोग सारे लोग इकट्ठा हो रहा है कि हमारा कैसे परिवार चले। एक शेर जंगल का राजा होता है, ठीक है। रहा बात नीतीश कुमार एक अच्छे नेता नहीं है, उनको ये लोग राज्य का भला, देश का भला, जनता का भला कुछ भी लोग नहीं कर सकता है। जिधर मिलेगा उधर उलट सकते हैं। पलटू चाचा है, उनके बस की नेता करने वाली बस की बात नहीं है। सारे लोग ये चोर है, ये लोग अपने लिए ये सारा, ये लोग अपने परिवार के लिए करता है। नमस्कार, देश न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। 30 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई थी जिसमें तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे मौजूद थे और बैठक के बाद एक सकारात्मक बातें निकल कर आई कि सभी विपक्ष के लोग एकजुट हैं। इसे लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है, तो चलिए बिहार के लोगों से जानते हैं कि इस बैठक को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, इन्हीं जानते हैं कल जो बैठक हुई थी, इस बैठक को आप लोग कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? इस बैठक को तो हम रूप में देखते हैं, लेकिन रहा बात यहाँ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और दोनों पार्टी का सब सत्ता मिलकर, मोदी को 24 में हराने वाला कोई नहीं है और ये पलटू चाचा को तो आने वाले समय में एक भी सीट नहीं निकलेगा। नीतीश कुमार से नाराजगी क्यों है? आप कह रहे हैं कि एक भी सीट उन्हें नहीं मिलेगी और ये तमाम लोग एकजुट हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि एकजुटता में बल है, सभी लोग भारी पड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी पर? कुछ भी नहीं पड़ेंगे। एक शेर जंगल का राजा होता है, ठीक है। रहा बात नीतीश कुमार एक अच्छे नेता नहीं है, उनको जिधर मिलेगा उधर उलट सकते हैं। पलटू चाचा है, उनके बस की नेता करने वाली बस की बात नहीं है। लेकिन उनके साथ तो लालू प्रसाद यादव हैं, राहुल गांधी हैं और आप देखें तो ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, ये तमाम लोग एक साथ हैं। कोई कुछ भी नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी का कोई कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। 2024 से फिर 2029 तक सीट बीजेपी ही रहेगा। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, बेरोजगार युवा बहुत आ रहे हैं और ये सरकार जब तक रहेगी बेरोजगारी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तेजस्वी यादव, मानिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोले कि जब मेरा सरकार आएगा तब 20 लाख युवा को नौकरी देंगे। कहाँ 20 लाख नौकरी मिली? ये तो रहे हैं, कहाँ मिला है नौकरी 20 लाख? कौन सा नौकरी है? क्या लगता है विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, उस बैठक में विपक्ष को कितना सफलता हाथ लगी है? इसमें विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिलेगा। ये जो है अपने परिवार के लिए लोग सारे लोग इकट्ठा हो रहा है कि हमारा कैसे परिवार चले। ये लोग राज्य का भला, देश का भला, जनता का भला कुछ भी लोग नहीं कर सकता है। ये सारे लोग ये चोर है, ये लोग अपने लिए ये सारा, ये लोग अपने परिवार के लिए करता है। इनका जो वोट परसेंटेज है कहीं ना कहीं मायने रखता है? इन लोग का वोट परसेंट कोई मायने नहीं रखता है। इन लोग का ये 0% इन लोग का वोट है, ठीक है। आगे इन लोग का कोई ये नहीं रहेगा पलटू गठबंधन के सरकार में। ये लोग जो आज एकजुट हैं, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये सब एक मंच पर रहेंगे? नहीं, ये लोग ये कुछ दिन के लिए है। अभी ये लोग सब ये पार्टी जो है इकट्ठा हो रहा है, जब ये अगर बाई चांस सरकार बना भी लेता है तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सब टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये विपक्षी एकता की बैठक हुई है, क्या लगता है कि ये लोग नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे 2024 में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2014 के काम के नज़र देखते हुए, उनके काम को देखते हुए 2019 में जनता उनको फिर से गद्दी पर बैठाया और 2024 में भी फिर से उनको गद्दी पर बैठाएगा। क्या काम अच्छा लगा आपको? क्या काम, जैसे धारा 370, चीन के प्रति जो है, जो चीन पहले दबदबा बनाया रहता था वो दबदबा नहीं रहा। कल तक अखिलेश यादव, लालू जी, ममता बनर्जी सब एक साथ हो गए हैं, कहें कि अबड़ी पटक ही देना है इनको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकता में वह महानता है, वो पता चलेगा 2024 के चुनाव में। लालू जी बोले हैं कि अभी हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा फिट, अभी इनको फिटे कर देंगे। लालू जी का हमेशा अपना ओपिनियन रहता है, अलग रूप रहता है। आप मानते हैं कि लालू जी के नीतीश जी के साथ आने से कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देख रहे थे, ये हमारे साथ तमाम पटना के लोग हैं, बिहार के लोग हैं जो विपक्षी एकता पर अपनी राय रख रहे थे।
अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।